God. पहले ठाकरे परिवार के लोग इलेक्शन नहीं लड़ते थे, खुद बाल ठाकरे इलेक्शन नहीं लड़ते थे, उद्धव ठाकरे भी इलेक्शन नहीं लड़ता था, 2014 में नहीं लड़ा किसी ने। 2019 में आदित्य ठाकरे ने इलेक्शन लड़ा, ठाकरे खानदान का पहला आदमी इलेक्शन लड़ा, जीत। देखिए जैसे जैसे आदमी किसी की तरफ किसी जाता है ना, तो उसकी जो ख्वाहिश होती है वो बढ़ती। जब इलेक्शन ही नहीं लड़ते थे तो मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे इसका तो सवाल ही नहीं पैदा, लेकिन जब इलेक्शन लड़ गए, जब MLA बन गए, तो आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, दूसरा नंबर है। तो मुझको ऐसा लगता है, पता नहीं, कि शिवसेना ने सोचा होगा कि यार हम लोग तोप मांगो तो बंदूक मिलती है, हम इनको बोले कि भाई 50-50%, 2.5 साल तुम्हारी सरकार 2.5 साल हमारी सरकार, तुमने ये वादा किया था इलेक्शन से पहले, तो क्या है कि आपस में भी ये भाई ऐसा करेंगे, तो बोलता था हाँ देखेंगे। अब देखेंगे का मतलब एक समझता है कि हाँ, दूसरा समझता है कि ना। तो मेरा ख्याल है उस वक्त अगर देवेंद्र फडणवीस ये बोल देते कि ठीक है भाई ये 2.5 साल का चक्कर छोड़ो यार, हम लोग को 100 सीट मिला है, तुमको 60 सीट मिला है, हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हारे आदमी को डेप्यूटी CM बना लेते हैं, तो मुझको ऐसा लगता है कि सेटलमेंट हो जाता और आराम से 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस CM रहते, आदित्य ठाकरे डेप्यूटी CM रहते, नया नया नवजोश है, कुछ ऐश करता इधर उधर घूम फिर, एनवायरनमेंट पर्यावरण ये वो, टूरिज्म मंत्री बना था बाद में भी घूमने फिरने का मामला। लेकिन क्या है कि इंसान के अंदर आ जाता है एरोगेंस, रवूनत। अरे 2.5 साल मांग रहा है, मैं देखता हूं। यहां से गाड़ी पटरी से उतरी, हम क्या करेंगे, अजीत पवार को डेप्यूटी CM बनाएंगे, सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण, शिवसेना को उसकी जगह दिखाएंगे। 5 बजे आया वो, उसके बाद बाकी नहीं आए। दूसरे दिन बोला भाई नहीं मैं जाता हूँ, वापस चला गया। तो ये जो है ना, ये पहला गड़बड़ी हुई। उसके बाद जब वो वापस चला गया तो शिवसेना से इनका पंगा हो गया, अब NCP से भी पंगा हो गया। तो शरद पवार ने सोचा यार ये अच्छा टाइम है, मसला था दोनों BJP से नाराज हो गए ना, और दोनों BJP के से उनकी दोस्ती थी, सच्ची बात है। NCP ने 2014 में बायकॉट करके बगैर शिवसेना के उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद किया था, ये सच्चाई है। 2014 में भी ये हुआ था, शिवसेना की मदद के बगैर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया NCP की इनडायरेक्ट मदद से, और जब वो लोग वापस चले गए तो फिर शिवसेना के साथ हुकूमत किया, सब अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो अपने पास रख दिया, सब कचरा उनको पकड़ना।
तो 2019 में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। शरद पवार ने कहा यार कांग्रेस थर्ड पार्टी है, उसको समझाओ। उसने जाके बोला देखो, अच्छा कांग्रेस तो कितना जैसा वर्णाश्रम में ना चौथे नंबर पे थी वो बोले देखो अभी हम लोग शिवसेना को लेके सरकार बनाते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी मंत्री संतरी बन जाओ, कुछ कमाओ खाओ ऐश करो। कांग्रेस बोली यार अपना तो कोई चांस ही नहीं, अपोजिशन लीडर बनने के भी वहां दे तो चलो। अब वो महाविकास आघाड़ी बन गई। अब वो पहले कैसा था कि शिवसेना का हिंदुत्व जरा गहरा था, कड़क, और बीजेपी का नरम। अभी सिचुएशन क्या हो गई कि बीजेपी का हिंदुत्व कड़क और सिर्फ शिवसेना का हिंदुत्व नरम, ये सिचुएशन हो गई। एमबीए का कारोबार चल रहा था, खूब कमाया माया, समृद्धि जो रोड बना है, मैं सुना यही पीडब्ल्यूडी मंत्री थे अपने शिंदे साहब, समृद्धि का मतलब होता है खुशहाली, हालांकि बुरे बुरे एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, बहरहाल तो ये खुशहाल हो गए। और वो तो हमारे फडणवीस साहब बोलते ही थे कि एनआरएच, तो बहरहाल उन्होंने उनको फाइल फूल दिखाया, अब बोला और कुछ कमा लो लेकिन आ जाओ इधर। वो यहाँ से निकले 15 शिवसेना के, 10 वो सपोर्टर, 25 गए सूरत, गए गुवाहाटी, गए। अब जिसको फाइल दिखाते थे बोलते थे भाई देखो अनिल देशमुख उस जमाने में जेल में था, तुमको जाना है क्या अनिल देशमुख के पास? नवाब अली तो बाद में गए ना, वो बोलते थे नहीं नहीं जाना है, बोले फिर आ जाओ और ये पकड़ो। तो ऐसा करते करते वो जो 15 गए थे वो 40 हो गए, और वो 10 मिला के 50 हो गए। अब वो लोग वापस घूम फिर के आ गए, कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने भी मामला फैसला कर दिया, कोर्ट ने भी भाई, कोर्ट भी हमारा हमारे यहाँ उसमें भी एक्टिंग होती है, पॉलिटिशियंस जैसे ड्रामा करते वैसे कोर्ट भी। वो बोले भाई देखो अभी तुमने इस्तीफा दे दिया तो हम तुमको कैसे बहाल कर सकते, अब तुमको बहाल नहीं कर सकते तो जो है वही रहेगा, अब वो क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है उसका फैसला हम कैसे कर सकते, तो स्पीकर ही करेगा, मालूम है उसका स्पीकर है। बहरहाल कोर्ट ने जो है वो ऐसा फैसला किया कि 4 बातें जो गैर अहम थी वो उद्धव ठाकरे की मान लिया, बोला वो सही है, गवर्नर गलत था, ये था वो था, सब माना। असली बात जो थी बाबरी मस्जिद का फैसला कि वो जो है वो मंदिर मस्जिद में जो है मूर्तियां रखी गई गलत था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया गलत था, लेकिन वो जगह उनको ही दे दी, तो ऐसा ही फैसला था। ये भी गलत था, वो भी गलत था, गवर्नर भी गलत था, स्पीकर भी गलत था, लेकिन बहरहाल वजीर आला तो शिंदे रहेगा। बहरहाल अब इनकी सरकार जब चलने लगी तो जो बीच में बाई इलेक्शन होता है, म्यूनसिपालिटी होता है, हर जगह हार जाते हैं, कस्बा पेट हार गए, वो तो गढ़ था बीजेपी, अंधेरी हार गए, तो इनको थोड़ा समझ में आने लगा कि यार ये शिंदे तो का फार्मूला सही नहीं है। उसमें एक एंटी क्लाइमैक्स ये हो गया कि जब दोबारा सरकार बनी तो जो पहले सीएम था जिसके पास 105 सीट है वो डेप्यूटी सीएम हो गया, और जो नया आया जिसके पास 40 सीट है वो सीएम हो गया। अब ये काम चल रहा था तो इस बीच कर्नाटक का इलेक्शन आया, उसमें ये हार गए बीजेपी वाले, तो सीरियस हो गए यार क्या करेंगे, तो इन्होंने हिसाब किताब करना शुरू किया। तो हिसाब किताब आप देखिए, कर्नाटक में 18 सीट जीती बीजेपी, 2 कांग्रेस, 2 जेडीएस। ये इलेक्शन के बाद समझ में आया वो 18 तो नहीं जीत सकते। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जीते थे, अब शिवसेना अगर एनसीपी और कांग्रेस से मिल जाती है तो वो 42 जो जीते थे एनडीए की वो तो आ नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते।
बिहार में नीतीश कुमार के साथ जीते थे 42 में से 41, एक कांग्रेस का जीता था, अब वो जा चला गया आरजेडी के पास। तो आरजेडी और नीतीश कुमार और कम्युनिस्ट मिलाओ तो खलास, वो जो 18 आई थी वो भी नहीं है। एनडीए की तो दोनों को मिला के था 18-17। बंगाल में 18 जीते थे, क्यों जीते थे? इसलिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट और टीएमसी ये अलग अलग थे। अब पटना में मीटिंग हुई, तीनों एक साथ बैठे। अब अगर उनके अंदर सीट शेयरिंग हो जाती है, ये जो चार बड़ी बड़ी स्टेट है, यूपी छोड़ दो, यूपी में भी एक प्रॉब्लम है। यूपी में आरएलडी जो है वो वेस्टर्न यूपी की पार्टी है जाटों की। इन्होंने क्या किया कि मुजफ्फरनगर फसाद के बाद जाट और मुसलमान हमेशा साथ में रहे। चौधरी चरण सिंह के ज़माने से जाट और मुसलमान एक दूसरे के साथ रहे, बीजेपी की एंट्री नहीं। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद ये हुआ कि इन्होंने जाट और मुसलमानों में लड़ाई लगा दी और जाट बीजेपी की तरफ चला गया, और इसकी वजह से ये जो वेस्टर्न बेल्ट है उसमें बीजेपी स्ट्रांग हो। अभी किसान मूवमेंट ने जाटों को बीजेपी से अलग किया। आरएलडी ने इलेक्शन लड़ा लेकिन जाट लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आया। मुसलमानों ने वोट दिया आरएलडी को, फिर भी आरएलडी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब जाट लोगों को ये लगता है कि ये तो हमारी पार्टी है। तो वेस्टर्न यूपी में अगर जाट इस बार आरएलडी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा जाट का, पहले भी असेंबली इलेक्शन में 55 सीट तो कम हुई ना, तो ये सब चीज़ों से ये लोग परेशान हो गए। जब भी कोई आदमी परेशान होता है तो वो गलतियां करता है, और जब कोई आदमी गलती करता है तो अपने दुश्मन का फायदा करता है। तो अब ये हो रहा है। अब ये सरकार ठीक ठाक चल रही थी, ये लोग पकड़ के ले आए अजीत पवार। अब आप देखिए, शिंदे को लाने की वजह से जो शिवसैनिक था, आम शिवसैनिक जिसका ईडी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको कुछ मिलने वाला नहीं है खोका, वो तो उद्धव की तरफ चला गया, हमदर्दी उसकी। अब इन्होंने क्या किया, अजीत पवार को ला के जो एनसीपी के लोग थे उनको भी ढकेल के शरद पवार के पास भेज दिया। तो आप जो है वो जैसे पहले बाई पोलराइजेशन करके हिंदुओं को अपनी तरफ लाते थे ना, ऐसे अपने खिलाफ वोटर्स को ढकेल के अपने मुखालिफ की तरफ भेज रहे हो। इनको ऐसा लगा भाई शिंदे नहीं जीत सकता, चलो अजीत पवार को लाएंगे इसकी वजह से वोट आएगा, लेकिन उसकी वजह से शिंदे नाराज हो गया। यानी जो पहले था साथ में, अब उसमें भी नाराजगी पैदा हो गई। अब ये भी खबर है कि हो सकता है उसको डेप्यूटी सीएम बना दे, तो सीएम बना दे। अब अजीत पवार अगर सीएम हो जाएगा तो बेचारे फडणवीस का क्या होगा, वो थोड़ी शिंदे है कि इनकी बात सुनेगा, माइक हटा लिया वो तो तोड़ देगा माइक। शिंदे के पहले से वो सीएम है, डेप्यूटी सीएम है। अभी तो उसने अपनी तकरीर में बोला कितनी बार डेप्यूटी सीएम बना, अभी आगे बढ़ना, आगे आगे कहाँ है, डिप्यूटी सीएम के आगे क्या आता है, ये बात उसने पब्लिक मीटिंग में कह दिया। तो अब इन्होंने जो है वो एक ऐसी सिचुएशन अपने लिए खराब कर ली, और इसलिए कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हर कोई जो, जब कांग्रेस भी परेशान हुई तो उसने गलतियां की, जो भी पार्टी परेशान होती है ना वो गलती करती है। अब बीजेपी परेशान हो रही है तो गलतियां कर रही है, और ये इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में इनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या होगा इनमें गैब अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया, लेकिन जो अंदाज़ा है वो ये अंदाज़ा है। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर का मामला